अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैथ का हम लोग 9.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसके कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, बाकी हम आज करेंगे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, हमें उन्होंने बोला है 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन्होंने बोला है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके प्रूव करना कि ये तीनों पॉइंट्स जो है सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। अब सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट की यही डेफिनेशन थी ना कि ये पॉइंट्स जो हैं सेम स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेम आपका क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है। 6 में हमें उन्होंने बोला कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करना, तो 4 में आपको करवाऊंगी, 6 आप इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी और सी, हमने इनको नाम दे लिया। अब ए से लेकर बी तक डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, ए वाले पॉइंट्स x1 y1 और बी वाले पॉइंट्स x2 y2। तो वैल्यूज पुट की, -2 -1 जो है -3 होगा और -3 का स्केयर 9, इस तरह -8 और -9 -1 ना माइनस का 9 होगा, 81 आ जाएगा। 9 + 81 9 हो जाएगा, 90 आ जाएगा, स्केयर रूट 90। अब इसकी 90 की हमने फैक्टराइजेशन की, 90 की फैक्टराइजेशन की तो 2 के टेबल पे जाएगा, 45 आएगा, 5 के टेबल से 9 आएगा, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो अब जिस टर्म का पेयर बन रहा होगा ना वो स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा और जिसका पेयर नहीं है वो स्केयर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों का देखो पेयर बन रहा है तो ये स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा और बाकी जो दोनों हैं वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 × 5 × 2 = 10 आ जाएगा। तो ए बी डिस्टेंस इस तरह से आ जाएगी 3 √10। इसी तरह बी सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो बी वाले पॉइंट्स x1 y1, सी वाले पॉइंट्स जो है x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूले वैल्यूज पुट की तो 6 का स्केयर प्लस 18 का स्केयर आ जाएगा, 36 प्लस 3 24, तो 360 आ जाएगा। 360 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये सॉल्व करके कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है ये और 3 का पेयर बन रहा है, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे स्केयर रूट से, बाकी जो हैं टर्म्स वो अंदर ही आ जाएंगे। तो ये 2 बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया और ये 2 और 5 अंदर आ जाएंगे। 3 × 2 = 6 और 5 × 2 = 10। अब ये डिस्टेंस आ गई बी सी 6 √10। इसी तरह हम इसकी सी ए डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सी ए डिस्टेंस के लिए सी वाले पॉइंट्स x1 y1 और ए वाले पॉइंट्स x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया तो स्केयर रूट 90 आया। स्केयर रूट 90 की पहले जैसे हमने फैक्टराइजेशन किए वैसे ही करेंगे, तो 3 बाहर और 10 अंदर। अब सेम स्ट्रेट लाइन पर लाए कर रहे हैं तो उसके लिए कंडीशन ये है कि दो जो डिस्टेंस है, छोटी वाली जो दो डिस्टेंस है उनकी लेंथ बड़ी वाली जो साइड है उन दोनों का सम जो है, छोटी वाली दो साइड्स का सम बड़ी वाली साइड के इक्वल आए तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पर लाए करें या फिर कोलिनियर पॉइंट्स हैं। जैसे छोटे हमारी दो डिस्टेंस आई हैं 3 √10 और एक डिस्टेंस आई है 6 √10। तो जो दो छोटी हैं मतलब 3 √10 जो है उन दोनों को हम प्लस करते हैं, दोनों को प्लस किया तो 10 कॉमन आ रहा है, उसको बाहर कॉमन ले लिया, 3 + 3 = 6 √10 आएगा और यही हमारी थर्ड वाली डिस्टेंस थी। तो अगर ये इसके इक्वल ना आता, मतलब यहाँ पे कुछ और आ जाता, 5 √10 आ जाता या कुछ और आ जाता, तो हम कहते कि ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। बट यहाँ पे 6 √10 मतलब थर्ड वाली साइड जो उसी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट्स हैं सेम से स्ट्रेट लाइन पर लाया कर रहे हैं या फिर कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 6 इसका करना है। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊंगी, क्योंकि 7 आपने कर लिया हुआ है, अब इसका 8 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। 8 वाले क्वेश्चन में हमें उन्होंने बोला है 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी और डी, और हमें उन्होंने बोला है कि प्रूव करना है कि ये जो तीनों, ये जो चारों वर्टिसेस हैं ये रेक्टेंगल जो है रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। तो रेक्टेंगल के वर्टिसेस के लिए क्या कंडीशन है कि चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है तो होनी चाहिए और एक जो चारों एंगल्स जो हैं सॉरी अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए और उसके अलावा इसकी चारों एंगल्स की लेंथ 90 डिग्री के इक्वल होनी चाहिए। तो हम चारों साइड्स की लेंथ पहले फाइंड करेंगे। पहले वाली ए बी साइड की लेंथ 11 आई, बी सी की 3 आएगी, सी डी की 11 आएगी। डिस्टेंस फार्मूला सिंपल यूज़ की है, अब तक तो आप लोग काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके होंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने में, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है। और डी ए की लेंथ आ जाएगी 3। अब ए बी और सी डी दोनों की लेंथ क्या आ रही है 11 11, और बी सी और डी ए की लेंथ आ रही है 3 3। तो इसका मतलब है अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल आ रही है, इसका मतलब है ये रेक्टेंगल है। उसके बाद क्वेश्चन में देखें हमें उन्होंने बोला है कि आपने इसके डायगनल्स भी फाइंड करने हैं। डायगनल्स अब कौन से होते हैं, जैसे ये अगर कोई रेक्टेंगल है,
ये रेक्टेंगल अगर हमने कोई बना दे तो ये जो अपोजिट साइड होते हैं, मतलब अगर ये ए बी सी और डी वर्टिसेस हो, तो ए से लेके सी तक, मतलब ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये डायगनल बना रहे हैं, मतलब ये वाली जो लाइन बन रही है ये डायगनल है। इसी तरह बी से लेके डी तक ये वाली जो है ये डायगनल बना रही है। तो हमने ए सी और बी डी लेंथ फाइंड करनी है। ए सी लेंथ फाइंड की डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया तो स्क्वायर रूट 130 आ गई, बी डी लेंथ फाइंड की तो स्क्वायर रूट 130 आ गई। तो ये हमने सॉल्व कर लिए सारा क्वेश्चन। आज की आपकी डायरी ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 8, क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 8 9.2 एक्सरसाइज के कंप्लीट सॉल्व करने अपने नोटबुक के ऊपर। थैंक यू सो मच।